सिरसा जिले के गांव भावदीन के 27 वर्षीय जवान निशान सिंह अनंतनाग में आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। कल दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया और सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद निशान सिंह को अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश आपके सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा। शहीद निशान सिंह वर्ष 2013 में भारतीय सेना में 19 राष्ट्रीय राइफल में भर्ती हुए थे। 2 महीने पहले ही निशान सिंह की शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वे पिछले महीने ही ड्यूटी पर वापस अनंतनाग गए थे। एक आदर सम्मान करता था गांव के अंदर, दूर दूर अंदर। इस तरह का हरेक घर घर पुत्र जमना चाहिए। कालांवाली के विधायक शीशपाल के हरवाला ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए देश को उनकी शहादत पर गर्व है। वहीं उपमंडलाधीश जयवीर यादव ने कहा कि प्रशासन दुख की घड़ी में पूरी तरह परिवार के साथ है। हम हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और बड़ा ही दुख की बात है कि इस प्रकार से जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। हाँ, जो देश के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो सदैव याद रखा जाएगा। और कुछ महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और पीछे 10 दिन पहले ही उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया था और प्रशासन की तरफ से हमारे सभी परिवार इनके साथ हैं।